सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑन माई यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्टैटिक जीके का सेट नंबर 3। देखिए इससे पहले हमने दो सीरीज आपके लिए अपलोड कर दी है, 10+ क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको डेली तो नहीं मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन करवाने वाला हूँ ऑल्टरनेट डेज में। देखिए इसके अंदर मैं आपको हमेशा हर बार 10+ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आज है सेट नंबर 3, चलिए देखते हैं। और देखिए ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किससे, इसके लिए RRB NTPC के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये उसके अलावा SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, CTET HTET मतलब जिसके अंदर भी GS का पोर्शन होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं रवि कुमार के नाम से, वहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा ये जो लाइन चल रही है, इस पर आप अगर गेट सक्सेस पॉइंट लिखेंगे गेट सक्सेस पॉइंट और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाने वाला है अनअकैडमी पर। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये है सेट नंबर 3। आई होप कि इससे पहले आपने दो सीरीज पूरी अच्छे से देख ली होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो उससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ना, और सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से, सो दैट हम क्लास को अच्छे से और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। देखिए हमें आपके लिए ये भी लाया कि कहाँ पर आया हुआ है, CGL SSC के CGL Tier 1 में आया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर में ना, और ये सब दे रखा है 2017 के पेपर में आया, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस बार के RRB NTPC और बाकी आगे के जो भी अपकमिंग एग्जाम है अगर आप उनकी तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, अगर ब्लड में देखा जाए तो सर्वदाता मतलब सभी को देने वाला है ना, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो किस ऐसे ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव क्या होता है कि हम अगर आपका AB पॉजिटिव है तो आप किसी को भी अपना मतलब ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो यहाँ डोनर की बात की जाती है, की जा रही है सर्वदाता, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कौन सा रक्त समूह है ना सर्वभौमिक स्वीकर्ता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर मतलब अब वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। कौन सा आंसर है, मतलब ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो आंसर जो होना चाहिए इसका होना चाहिए आंसर बी इज योर राइट आंसर, ओ नेगेटिव। याद रखना प्लस में भी है लेकिन प्लस वाला आंसर नहीं होगा, नेगेटिव वाला इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। और देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम उसी शिफ्ट में, लेकिन किसी द्वितीय पाली में आया, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा मतलब उच्चतम स्रोत है, सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन किसके अंदर होता है, सूरजमुखी के अंदर, चने के अंदर, सोयाबीन के अंदर या गेहूं के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ हुआ है, SSC CAPF के अंदर आया हुआ है, ASI दिल्ली पुलिस के लिए, और ऑनलाइन ये पेपर हुआ था 2017 उसमें पेपर में आया हुआ है। और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सोयाबीन इज योर राइट आंसर, सबसे हाई प्रोटीन इसी को माना जाता है। देखिए अब सोयाबीन के लिए सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए सोयाबीन सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन MP मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दूसरी बात अगर इसके बारे में बात करें तो सोयाबीन को ना जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनके लिए मांस बताया जाता है ना, मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक मांस के तौर पे ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, और चिकन वगैरह में भी आपको पता है प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन सोयाबीन के अंदर ही होता है, और ये हमारी मतलब हमें प्रोटीन प्रदान करता है। चलिए अगर हम आगे बात करें, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस, देखिए स्लीपिंग सिकनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पेपर में आया हुआ भी है, स्लीपिंग सिकनेस किस रोग के कारण होता है ना, मतलब किस मक्खी के कारण होता है, या देखेंगे इधर, या किस इंसेक्ट के कारण होता है। देखिए खटमल लिखा हुआ है, CC मक्खी, जू या बालू मक्खी।
देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में भी आया हुआ है और बाकी और भी एग्जाम्स में आया हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। अब देखिए निंद्रा, इसके अंदर आपको क्या है, नींद ही नींद आती रहती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है आपको, आलस आने लगता है, पूरे दिन सोने लगते हो, वो किसके कारण? जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर सी इज योर राइट आंसर, सीसी मक्खी। इधर देखिए सीसी मक्खी क्या होती है, ये मतलब अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है, मतलब अफ्रीका की ज़्यादा मतलब वहाँ पे तादाद है अफ्रीका के अंदर, और ये वहाँ पे क्या करती है, ग्रामीण इलाकों में लोगों को काट लेती है ना, काट लेती है और उससे वो क्या करती है, खून चूसने लगती है, और खून चूसने के बाद क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा ना सिक फील करने लगता है, सिक है ना, आलसपन आने लगता है और वो पूरे दिन सोया रहता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जू से तो होगा नहीं कि जू काटे या ऐसा कुछ कर दिया उसने, नहीं, बालू मक्खी से भी नहीं होगा, खटमल तो नॉर्मल सी बात है सभी के घर में, मतलब सभी के तो नहीं, मतलब नॉर्मल घरों में आपको दिख सकता है कि खटमल, तो उससे ये तो नहीं हो सकता कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाए, ये एक बीमारी है एक टाइप से, तो याद रखना ये कहाँ से आई है, अफ्रीका में, और ज़्यादातर याद रखना जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है ना वो अफ्रीका से ही पनपती है ज़्यादातर, ऑलमोस्ट है ना। अब COVID-19 के बारे में बात नहीं की जा सकती बाकी, लेकिन और जैसे जीका वायरस देखा जाए, इबोला वायरस देखा जाए, तो ज़्यादातर वो वहीं से आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो तंबाकू जैसे कोई व्यक्ति है सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है वो छोड़ते हैं या ना, तो उस टाइप से जो उसमें से धुआं निकलता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है, मतलब नॉर्मल से कहने की बात है, तंबाकू में ऐसा क्या होता है इसके लिए मना किया जाता है कि नहीं तंबाकू का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटिन है ना, और ये इतना सब बड़ा, इतना बड़ा नाम है सी, तो इसको तो कट ही कर दो ना, ये तो आंसर है नहीं। फोर्थ इज मैथालिन, देखिए आंसर जो होना चाहिए वो आना चाहिए निकोटिन है ना, तंबाकू के अंदर निकोटिन पाया जाता है और निकोटिन ही हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाई जाती है, ये गैस मतलब जैसे कि आप देखते हो ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण, जैसे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में से ऐसे एक धुआं निकलता है ना और वो हमारे फेफड़ों में जाता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, जिससे जलन होती है आँखों में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इसका जो आंसर है, तंबाकू में से जो धुआं निकलता है वो उसके अंदर क्या होता है, निकोटिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में मतलब ये संचयन के कारण ऐठन हो जाती है ना, क्या कलेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, ऐठन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो इधर देखिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक अम्ल है, अल्कोहल है या जल। तो देखिए जल से तो कोई इशू हो ही नहीं सकता, जल तो कितना पीजिए कोई इशू नहीं है, अल्कोहल से हो सकता है, लेकिन कठोर व्यायाम करते समय तो इसका कोई मतलब आ ही नहीं रहे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का भी यहाँ कोई इशू नहीं है, तो आंसर जो होना चाहिए लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड क्या करता है हमारी बॉडी में, जब हम कठोर मतलब हार्ड एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं ना, योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं टफ, तो उस वक्त क्या होता है कि जो वो होता है ना लैक्टिकम इकट्ठा हो जाता है एक जगह और फिर हमारी बॉडी में दर्द होने लग जाता है, और ये ज़्यादातर ठंड में होता है, ठीक है। और ठंड में क्या होता है, जैसे कि आपने दही वगैरह खाई, तो दही वगैरह खाई वो जम जाती है लैक्टिक एसिड टाइप, तो उस दर्द वहाँ पे उस पॉइंट में दर्द होने लग जाता है। तो ये भी यहाँ कही जा रही है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, लैक्टिक अम्ल, कि कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण ऐठन वगैरह होने लगती है, तो पूरी बॉडी में भी हो जाती है, याद रखना, ठीक है। बाकी लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम देखा जाए तो पिक्कल में मतलब अचार वगैरह में है ना लैक्टिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें बियर, जो बियर वगैरह पिया जाता है या वाइन वगैरह जो पीते हैं हम, उसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जेई सिविल एग्जाम में आया हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया विटामिन डी के कारण कौन सा रोग हो जाता है ना, तो देखेंगे। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उससे आपको सूखा रोग हो जाता है, लेकिन ये किसके लिए, रिकेट्स, इसी को रिकेट्स बोलते हैं, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकेट्स। दो क्वेश्चन बताऊंगा मैं इससे रिलेटेड, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कहाँ आया हुआ है, जेई सिविल एग्जाम और बाकी और अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया। देखिए अगर मैं बात करूँ रिकेट्स की, तो रिकेट्स जो है बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में क्या होती है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उनके जो पाँव है ना ऐसे मुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा
पाँव ऐसे मुड़ जाते हैं कुछ कुछ बच्चों के, तो उसी को बोलते हैं रिकेट्स। दूसरा है आस्टियो मलेशिया, इधर देखिए है ना, आस्टियो मलेशिया एक बीमारी का नाम है ये भी, आस्टियो मलेशिया, जो बड़ों में हो जाती है ना, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, यूथ जो है, बड़े लोग हैं, उनमें आस्टियो मलेशिया एक बीमारी हो जाती है, वो भी विटामिन डी की कमी से ही होती है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे बड़े लोग हैं ना, बड़े लोगों के पाँव थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। अब देखिए मैं इसका एक छोटा सा क्या दिखाता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको एक इमेज इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रिकेट्स, देखिए ये सिम्टम्स होते हैं, ये दिख ही रहा होगा आपको, ये है रिकेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए पैर की शेप कैसे जा रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब स्थिति हो जाती है। विटामिन डी जो आपको मतलब सूर्य की किरणों से मिलती है, तो वो नहीं ले पाते हैं, उससे क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ये सिम्टम्स वगैरह। अब दूसरा दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया ये क्या है, ये बड़े लोगों में, अभी मैंने बताया ना बड़े लोगों में कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियो मलेशिया, जिन जैसे बड़े हो आप लोग, तो आपकी टांगे ऐसे अगर हो जाती है किसी की भी, इसे को एडल्ट रिकेट्स भी बोला जाता है। देखिए एडल्ट मतलब बड़े लोगों का रिकेट्स, एडल्ट रिकेट्स ऑस्टियो मलेशिया को ही कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि इस पिक्चर से, इमेज से आपको चीज़ें समझने मिली होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट इस क्वेश्चन में था पोलियो, तो पोलियो तो होगा नहीं, विटामिन डी। अच्छा विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है, जैसे आप सूर्य की किरणों के सामने सामने बैठते हो, तो दो एक दो घंटे बैठना चाहिए ठंड में, है ना, उससे क्या होगा, वो हम एक मैलिन पिगमेंट होता है ना बॉडी के अंदर, मैलिन पिगमेंट जो हमारे बॉडी को कलर प्रदान करता है, क्या, मैलिनिन, याद रखना, मैलिनिन पिगमेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी को कलर प्रदान करता है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें हमारी किसमें स्किन के अंदर जाती है, तो अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डार्क, ये जैसे स्किन डार्क होने लगती है ना, इसका मतलब हम धूप ले रहे हैं। तो जितने गोरे लोग होते हैं, इसका मतलब वो धूप नहीं ले रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में आगे जा करके, तो इसलिए काला होना भी एक अच्छी बात है, याद रखना, क्योंकि विटामिन डी की कमी नहीं होगी और काफ़ी सारे रोगों से आप दूर रहोगे। स्कर्वी रोग क्या जाता है, स्कर्वी रोग देखिए दांतों में हो जाता है, मैं इसके लिए दिखा भी देता हूँ स्कर्वी रोग कैसा होता है। देखिए एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ स्कर्वी रोग में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों से रिलेटेड हो जाती है ना, ये देखिए ये होती है स्कर्वी रोग, ये एक प्रॉब्लम है, दांत कैसे खराब दिखने लगते हैं ना, इसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। तो आप आई थिंक आप आगे से याद रखेंगे, ठीक है, इसे याद रखना है। तो ये इमेजेस मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन वैसे याद नहीं है, तो शायद आपको पिक्चर या इमेज देख करके समझ में आ जाए, ठीक है। और बाकी घेंगा रोग होता है, गलसुआ रोग है ना, गला सूज जाता है, देखिए गलसुआ रोग भी हो जाता है, घेंगा रोग को इधर दिखा देता हूँ मैं आपको इसी के बाद, देखिए ये ना गलसुआ, इसके ना ये नॉर्मल थायराइड, आपकी जो थायराइड होती है ये नॉर्मल ऐसे होती है, लेकिन ये देखिए मोटी हो गई, देखिए कितना इसका साइज बढ़ गया है, एनलार्ज मतलब बढ़ा हुआ साइज, तो आपको दिखता होगा यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम रहती है, गले का ये पार्ट बढ़ जाता है, उसे गलसुआ रोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया, देखिए हाल ही के बारे में बात ये हो रही है, रिसेंटली जो उसकी प्रजाति खत्म हो गई है तो वो लुप्त हो गया है, तो देखते हैं सुनहरी बिल्ली, बिल्ली बिल्ली तो नहीं होगी क्योंकि बिल्ली आजकल आप देखते हो, चीता भी देखते हो, ऐसा तो है नहीं, गैंडा भी नहीं है, तो आंसर इज वूली वुल्फ। देखिए वूली वुल्फ क्या, देखिए ये क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2001 में आया, लेकिन काफी बार ये क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिया था ना, वूली वुल्फ कौन सा मतलब पशु है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक वुल्फ है ये, और वुल्फ इसके ये मैं दिखाता हूँ आपको तस्वीर, तस्वीर जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई होप कि मैंने उसकी तस्वीर ले रखी है, चलिए अभी तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, आई होप कि मैं उसे पीपीटी में ऐड करना भूल गया हूँ। तो वो एक वॉल्फ की तरह होती है ना, लोमड़ी टाइप होती है, तो वो यहाँ से लुप्त हो चुकी है, कहाँ से, इंडिया से, इंडिया में अब वो नहीं पाई जाती, और देखिए ये जो है इससे रेड डेटा बुक बोला जाता है, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक के अंदर ऐसे पशु वगैरह पक्षियों के बारे में लिखा होता है जो लोग है ना लुप्त होने की कगार पे हैं, तो ये इसके बारे में भी, वोली वुल्फ के बारे में भी लिखा होगा कि भाई ये रेड डेटा की बुक में है, क्योंकि ये खत्म होने वाले हैं और ये खत्म हो ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
लास्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। देखिए साइलेंट वैली के अंदर पूछा जा रहा है कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मकाऊ और गैंडा। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 1999 में, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर उस टाइम पेपर में आया तो अब नहीं आएगा, क्योंकि भाई स्टेट स्टैटिक जीके है तो ये तो आ सकता है बार बार। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए साइलेंट वैली, पहले आप देखिए साइलेंट इसका वैसे आंसर है सी इज द राइट आंसर। देखिए साइलेंट वैली किसे बोला जाता है, देखिए साइलेंट वैली, तो देखिए साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है ना, केरल का एक क्या है अभयारण्य है, याद रखना वहां पे अभयारण्य है केरल के अंदर जिसे बोला जाता है साइलेंट वैली, ठीक है। अब ये शेर की पूंछ जैसा मैकाऊ, मतलब शेर की तरह पूंछ होती है उसकी, जरा हम उसका एक इमेज देखते हैं और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये है, ठीक है, ये क्या है एक मकाऊ है, ठीक है, इसे बोला जाता है मकाऊ, और इसकी पूंछ देखोगे अगर आप तो ये किसकी तरह है, शेर की तरह ही है, तो इसे बोला जाता है कि ये लुप्त हो चुका है और ये साइलेंट वैली में पाया जाता है ना। तो ये है वो मकाऊ जिसे बोला जाता है, नॉर्मल से देख लीजिए ये थोड़ा सा अजीब सा मतलब बंदर की तरह दिखता है, बंदर ही है नॉर्मल अगर देखा जाए, लेकिन इसकी पूंछ थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो फिर आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देख लेते हैं उसके और ऑप्शंस भी, कस्तूरी मृग होगा नहीं, गेंडा होगा नहीं, चीता भी नहीं होगा, आंसर यही है मकाऊ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये पिक्चर्स के थ्रू जो मैंने समझाया है ये भी अच्छा। इधर देखिए ये साइलेंट वैली है ना जो केरल के अंदर है, साइलेंट वैली, तो ये इसका एक छोटा सा देख लीजिए दृश्य, एक छोटा सा दृश्य देख लीजिए साइलेंट वैली जो केरल के अंदर नेशनल पार्क है, केरल के अंदर देखिए लैंग्वेज भी केरल की लिखी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल के अंदर, ठीक है। चलिए आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। अच्छा वो मक्खी का मैंने प्रिंट नहीं दिखाया आपको इमेज, ये देखिए यही है सीसी मक्खी, इसी को बोलते हैं सीसी मक्खी, मैंने बताया था ना एक मक्खी होती है जो आपको अगर काट ले आपका खून चूस लेती है तो उसके बाद आपको स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, तो यही है सारे टाइप में दिखा रखा है इसकी, है ना वो। चलिए आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से पसंद आया होगा, 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डील किए हैं, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट डे ही आपके लिए सेट 4 डाल दूं, और मैं इसमें जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चलूँ, मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी मिलता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं विद डिटेल अनालिसिस। देखिए मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रवि लाइफ, सॉरी वॉक फॉर एसएससी को, बाकी अपने फ्रेंड से भी करवा देना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।